हेलो एंड वेलकम टू अवर सीरीज काउंसलिंग बाकी है। आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द सोशल इंडियन। और आप इस चेहरे को काफी दिनों के बाद देख रहे हैं क्योंकि हाँ, हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं, हम अवेलेबल नहीं थे, हम आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहे थे। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट कमेंट आ रहे थे कि सर हम वीडियो का वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरियाँ कुछ ऐसी थी कि हम आपके लिए वीडियोज नहीं ला पा रहे थे। कोशिश बहुत कर रहे थे लेकिन कंटेंट था, वीडियोस थी, बनने के साधन भी थे, लेकिन एक समय की कमी के कारण आपके लिए वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन अब हम उस कमी को कर देंगे आपके लिए पूरा, और जो जो आपकी चीज़ें अधूरी रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए दोबारा से हम आ गए हैं। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीधा सीधा छठी कट ऑफ लिस्ट की, जो अब लिस्ट आई है, कट ऑफ लिस्ट आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आज ही आई हुई सेंट्रल अलॉटमेंट लिस्ट का। सेंट्रल अलॉटमेंट में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे सेक्शन, क्या आप चाहते हैं सेंट्रल अलॉट जो आपको हुआ है वो आप चेंज कराना चाहते हैं, कोई और आपके रिलेटेड इशू है, उन क्वेरीज को हम करेंगे वीडियो में सॉल्व। और तीसरा हम बात करेंगे कि हमें कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है जो ये कट ऑफ आई है उससे। और चौथी हम बात करेंगे आपके ओरिएंटेशन की कि आपको कॉलेज कब से आना होगा, और अब जब सेंट्रल अलॉटमेंट लिस्ट आ गई तो उसके बाद आपको किसकी तरफ देखना चाहिए, किसका वेट करना चाहिए। तो जी हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो आई है वो बहुत ही ज्यादा माइनरली चेंज हुई है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, एक एक दो दो मार्क्स नीचे आई है। जो 2018 चल रहा था जनरल का वो अब आ गया है 217 पे। 217 पे भी काफी लोग हैं, 217 पे उनका एडमिशन हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 217 पे जो अलोकेशन हुई है वो उनके ग्रेजुएशन की मार्क्स की परसेंटेज के ऊपर हुई है, और उसी हिसाब से उन्हें क्लासिफाई किया गया है, जनरलाइज किया गया है। फिर हम आते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की तरफ। तो नॉन क्रीमी लेयर में क्या है, 161 की कट ऑफ, और 161 मार्क्स से ऊपर आपके अगर मार्क्स हैं तो आप पूरी पूरी उम्मीद से आ सकते हैं छठी कट ऑफ के लिए। शेड्यूल क्लास के लिए गया है वो 136 पर, एसटी के लिए गया है 73 पर, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की नई कैटेगरी है उसके लिए गया है 179 पर। जी मैं मानता हूं अगर आपने ईडब्ल्यूएस आप हैं और आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं किया था तो शायद यहां पर दुख की आपको बात हो सकती है, क्योंकि अगर आपने अप्लाई किया होता ईडब्ल्यूएस के अंडर इजीली आप सबमिट कर सकते थे फॉर्म परफॉर्मा, और आपके जो है वो लगभग 30 मार्क्स का जो है वो अंतर आ रहा है, 30-40 मार्क्स का, वो बहुत बड़ा अंतर होता है। तो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, अगली बार से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब हम आगे आते हैं कि हमें इतनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो रही है इस लिस्ट से। जब हम देखते हैं हर साल की, पिछले साल की लिस्ट, तो उसमें दो दो चार चार पांच पांच मार्क्स कम होते थे हर लिस्ट में, इतने लोगों को मौका दिया जाता था। लेकिन इस बार जब ये लिस्ट आई है तो बिल्कुल ही हर्ट ब्रेकिंग है, डिसअपॉइंटमेंट से भर देने वाली है। लेकिन आपको उस नेगेटिविटी से ऊपर आके पॉजिटिविटी को पकड़ना है, और उसमें से भी अच्छे एस्पेक्ट लेने हैं कि अगर मेरा पांचवी या छठी लिस्ट में हो जाता तो मुझे मेरा डिजायर्ड सेंटर नहीं मिलता, अगली साल मैं मेहनत करूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, हॉस्टल लूंगा, शुरू की रैंक होल्ड करूंगा, फैकल्टी में आऊंगा तो इज्जत से आऊंगा, डंका बजा कर आऊंगा कि भाई मैं इतने मार्क्स लेकर आया हूं, और जब मैं आपसे मिलूंगा यानी मुझसे मिलूंगा तो छाती ठोक के मैं कह सकूंगा हाँ भाई मैं टॉप 10 में हूं, मैं टॉप 50 में, टॉप 100 में हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं सारे व्यूअर्स से कि अगर वो आप एंट्रेंस दे, चाहे वो DULLB का हो, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस हो, आप टॉप के लिस्ट में निकले और आगे बढ़े, हमारे से जो असिस्टेंस हो पाएगी हम आपकी सारी सुविधाएं, आपके लिए सारी फैसिलिटीज अवेल कराने की कोशिश करेंगे। जो लोग DULLB 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ग्रुप की डिमांड कर रहे थे। तो जी हाँ, काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा होते ही सबको, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद से आपके ग्रुप बनेंगे, स्टडी मटेरियल बटेंगे, उसके बाद से हम आपको बताएंगे क्या क्या करना है। अब सेंट्रल अलॉटमेंट लिस्ट भी आज आ गई है, आपको LC1, CLC, LC2 मिल गए होंगे, तो जिसको जो भी सेंटर मिला उन्हें बहुत बहुत बधाई, और आप सभी का स्वागत है हमारी फैमिली में। YouTube फैमिली से आप हमारी लॉ फैकल्टी फैमिली में आ रहे हैं तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपकी ओरिएंटेशन कब होगी, तो सबसे पहले जो ओरिएंटेशन होती है वो कैंपस लॉ सेंटर की होती है, CLC की, जो कि एक्सपेक्टेड बताई जा रही थी 30th को, लेकिन कल तो अब वो नहीं हो पाएगी, तो उम्मीद की जा रही है कि परसों यानी 31st को जो सोर्सेज कह रहे हैं वो हो जाए। आपकी सेंट्रल अलॉटमेंट लिस्ट आने में भी कितनी मेहनत लगी है, कितनी बार डीन के चक्कर काटे गए हैं, कितनी बार PIC के चक्कर काटे गए हैं, कितनी बार प्रोवोस्ट प्रॉक्टर तक जाए हैं लोग, और उनकी एफर्ट्स को मैं सराहना देता हूं जिन लोगों ने इसमें काम किया। हमने भी कोशिशें की, आप लोगों ने भी कोशिशें की, जब ये सफल प्रयास हुए हैं, काफ़ी लेट आप लोग आए हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत आपको सूट करेगी।
अब जब आपकी लिस्ट रिलीज हो चुकी है तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर लॉट हुए हैं कि भाई इस सेंटर में आप हैं, इस सेंटर में आप हैं, इस सेंटर में आप हैं, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि आपको क्लासेस कैसे लगानी है, ना टाइम टेबल है, ना सेक्शन है। तो उसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दो दिन में आपके लिए सेक्शन लिस्ट आ जाएगी। उस सेक्शन लिस्ट के आने के बाद आपका टाइम टेबल आ जाएगा और उसके बाद से आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, एक वीडियो हम जरूर आपके लिए बनाएंगे कि लॉ फैकल्टी में आने के बाद क्या क्या करें, क्या क्या ना करें उस एक्सपीरियंस के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक नई सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आपको भनक कल सुबह तक लग जाएगी, और रेगुलर वीडियोस लाने की हम कोशिश करेंगे। 3 वीडियो का आपका वादा किया था हमने एक लाइव स्ट्रीम में, लेकिन वो वादा हम पूरा नहीं कर पाए थे। वादे लोग कहते हैं होते हैं टूटने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो वादे हैं वो आपके दिल को छू कर दें और दिल के रिश्तों को बांध कर रखें, और वो वादे ना कभी टूटें ना उनमें कभी कोई दिक्कत आए। इसी के साथ इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, काफी दिनों बाद मिले हैं, और ये चेहरा आपको ऐसे ही मुस्कुराता हुआ दिखता रहे उसके लिए लाइक बटन जरूर दबाइएगा। भारत माता की जय, जय हिंद।